नमस्कार, दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिव्यांशु हाजिर हूँ दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पीएम मोदी ने आज श्रमदान किया। इसके तहत वह हरियाणा के सोनीपत पहुंचे, जहां पर पहलवान और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंकित बैयनपुरिया के साथ साफ सफाई में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इसके बारे में अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। इसमें पीएम ने लिखा है कि आज जबकि देश स्वच्छता पर फोकस कर रहा है, मैंने और अंकित ने भी सफाई में योगदान दिया। उन्होंने आगे लिखा कि साफ सफाई के अलावा हमने फिटनेस वगैरह पर भी बात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 5 बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखी। पीएम ने आज तेलंगाना का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान उन्होंने 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। दोपहर करीब 2 बजे पीएम तेलंगाना के महबूब नगर जिले में पहुंचे और वहां से कई परियोजनाओं की नींव रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं और दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां वे एक दूसरे को वांछनीय, इष्टतम और सहज साझेदार के रूप में देखते हैं। जयशंकर ने कहा कि ये द्विपक्षीय संबंध चंद्रयान की तरह चांद पर और उससे भी आगे जाएंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, पीएम मोदी भी बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई और बीजेपी नेता शामिल हुए हैं। बैठक में बीजेपी नेता राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले आज राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग भी हुई थी। इस बैठक में अमित शाह, वसुंधरा राजे समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। ठाकुर का कुआं कविता विवाद पर लालू यादव और तेजस्वी यादव की ओर से मनोज झा को खुला समर्थन दिए जाने के बाद यह चर्चा है कि आनंद मोहन की बीजेपी में एंट्री होगी। जब आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दलों में आना जाना लगा रहता है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजद से कोई लोग विभिन्न दलों में गए, आज हर पार्टी में लालू यादव के प्रोडक्ट हैं। किसी के कहीं जाने से राष्ट्रीय जनता दल को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने राज्यसभा सांसद मनोज झा के बयान पर फिर समर्थन किया और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। जाप प्रमुख पप्पू यादव आरजेडी सांसद मनोज झा के समर्थन में खुलकर सामने आ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में हमेशा कमजोर लोग कायरों की भाषा इस्तेमाल करते हैं। जितनी फिल्में बनी हैं उसमें विलेन ठाकुर है और फिल्म में हीरो पीटता है तो लोग ताली बजाते हैं। आज पटना में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि मनोज झा ने किसी जाति पर बयान नहीं दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी पार्टी जाप मनोज झा के साथ खड़ी है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आरजेडी सांसद मनोज झा के ठाकुर कविता पाठ विवाद पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। आज पटना में गिरिराज ने कहा कि राजद की मानसिकता अच्छी नहीं है, समाज को बांटकर राजनीति करते हैं। दरअसल बीते दिन तेजस्वी ने दावा किया था कि उनकी पार्टी में बीजेपी से ज्यादा राजपूत MLA MLC हैं। इस पर गिरिराज ने तेजस्वी को जवाब दिया और राजद सुप्रीमो लालू यादव पर भी निशाना साधा। जेडीयू में कथित तौर पर घमासान को लेकर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। चिराग ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पर अब उनकी पार्टी और नेता को भी भरोसा नहीं है और यही वजह है कि आने वाले समय में जेडीयू का नामोनिशान मिट जाएगा। चिराग ने कहा कि जेडीयू के कई नेता उनके संपर्क में हैं। ये बातें चिराग ने रोहतास में एक कार्यक्रम के दौरान कही। बिहार में केंद्रीय चयन परिषद की ओर से 21,391 पदों पर सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा आज संपन्न हुई। गया को छोड़कर राज्य के सभी 37 जिलों में 529 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। आज पहले दिन दो पालियों में होने वाली लिखित परीक्षा में करीब 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। सिपाही भर्ती परीक्षा में जमुई में परीक्षा से पहले सॉल्वर गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए। उधर खगड़िया में भी परीक्षा में फर्जीवाड़ा का सेटिंग करने के आरोप में 4 शातिरों को गिरफ्तार किया गया। वहीं छपरा, पटना, समस्तीपुर, लखीसराय, जमुई, बक्सर में कुल मिलाकर 12 अभ्यर्थियों को कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दावा कर दिया कि जदयू दो धड़ों में बंट चुका है। उन्होंने जदयू अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को लेकर दावा किया कि दोनों के बीच दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। विवाद इतना बढ़ गया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का टूटना अब तय है, अब इसे कोई नहीं संभाल पाएगा। गांधी जयंती से पूर्व आज रांची विश्वविद्यालय के मोहराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 कार्यक्रम आयोजित किया गया। UGC के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल सह कुलाधिपति डॉक्टर CP राधाकृष्णन उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि देश को स्वच्छ रखना देशवासियों की जिम्मेदारी है। हमें इस सोच से निकलना होगा कि साफ सफाई और स्वच्छ पर्यावरण किसी एक व्यक्ति, विभाग, समूह या संगठन की जिम्मेदारी है। सभी को स्वयं के प्रयास से अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। रांची में कई जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया।
झारखंड की राजधानी रांची में आज 69वां वन्य प्राणी सप्ताह 2023 की शुरुआत की गई। इस मौके पर वाकाथोन का आयोजन किया गया। वन एवं वनों के संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूकता का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में रांची के अलग अलग विद्यालयों से 350 बच्चे एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से 400 आम लोग, मुख्य वन संरक्षक एवं वन संस्थानों के पदाधिकारी और कर्मचारी सहित 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। अब खबर खेल जगत से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शादाब खान ने भारत के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज का नाम बताया है। उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले कुलदीप यादव को सबसे खतरनाक भारतीय गेंदबाज बताया। शादाब ने रोहित शर्मा को दुनिया का शीर्ष बल्लेबाज बताया। उन्होंने कहा कि एक बार वह क्रीज पर जम जाते हैं तो काफी खतरनाक हो जाते हैं। अब बात मौसम के मिजाज की। राजधानी पटना सहित सूबे के 17 जिलों में सोमवार और मंगलवार को भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने दो दिनों के दौरान भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं झारखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे दर्श न्यूज।